अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा खूबसूरत एक जैस्मिन स्टिच के साथ, जो मैं पहले आपको ट्यूटोरियल में बता चुकी हूँ, उसके साथ मैं आपको एक क्लच बनाना सिखाऊंगी। पाउच है छोटा सा, बड़ा खूबसूरत प्यारा, लेकिन बच्चे भी उसको यूज़ कर सकते हैं और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो उसका साइज़ कुछ इस तरह का है। क्लच जो है वो एक्चुअली होता छोटा ही है, बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे भी यूज़ कर लें तो कर लें, अदरवाइज वो बड़ों के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्लच जो है उसका साइज़ इतना है, स्टैंडर्ड साइज़ का ये क्लच मैं आपको बताऊंगी। बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। ये देखेंगे, इसमें मैंने गोल्डन कलर की कोड इस्तेमाल की है, ठीक है। साथ मैंने 2.5 mm क्रोचेट हुक लिया है और इसके साथ मुझे बीड्स की ज़रूरत होगी, तो गोल्डन कलर की मैंने बीड्स ली हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसको जैस्मिन स्टिच के साथ मैं बनाऊंगी। जैस्मिन स्टिच में आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ। जैस्मिन स्टिच के साथ इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 1, 2, 3 चेन लेके फर्स्ट चेन में से पफ निकालेंगे। 1, 2 and 3 टाइम हमने ये निकाल के इसको, जैसे पहले मैं बूल का आपको बताया था, यहाँ से पकड़ेंगे इसी तरीके से कोड को, यहाँ से पकड़ के ये इस तरीके से निकाला इसको। ये कोड देखें, ये मेरी थोड़ी सी लूज थी, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ से। ये इधर से हमने 1 stitch निकाला, ये मेरे पास 2 stitch हो गए। इन दोनों के एक साथ हम निकाल के 1 stitch कर लेंगे और यहाँ पर एक चेन ले लेंगे। बहुत इजी है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम लूप लेंगे और ये इसका जो होल आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये जो होल है ये, यहाँ से हम पफ लेंगे। 1, 2, 3 ये 3 times हमने लेना है। 3 times लेकर यहाँ से वो इसको कोड को हम पकड़ लेंगे और इधर से इस तरीके से। अगर देखें ये ज़्यादा लूज़ यहाँ रह जाती है कोड, तो इसको हम यूँ खींचेंगे तो वो टाइट हो जाएगा। इधर से हम इसको खींच लेंगे, ये इस वाले को। ये देखिए, ये कोड ये हमें नज़र आ रही है। यहाँ से हम दोबारा यहाँ से लेंगे इसको, 2 stitch हो जाएंगे इन दोनों को। क्रोशिया से निकाल के इस तरीके से 1 कर लेंगे और अगेन जो है 1 chain, ये हमारे पास 2 आ गए। इसी तरीके से हमने जो है वो 11 कंप्लीट करनी है, ठीक है। 1, 2 मेरे पास आ गए हैं इसके पैटर्न, 11 हम इसको कंप्लीट करेंगे। 11 कंप्लीट करके तो फिर आगे नेक्स्ट रो के लिए हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो मैं ये नेक्स्ट जो है इसके जो रहते हैं 9 रहते हैं बाकी इसके, वो मैं कंप्लीट करती हूँ पैटर्न। आप तक तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये मेरे 11 पैटर्न तैयार हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल ये 10 काउंट होंगे। फर्स्ट जो है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था जैस्मिन स्टिच में, पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो है वो हमारा यूँ इस तरीके से काउंट होगा, ये इसको फोल्ड करने के लिए, ठीक है। टोटल ये समझे 10 ही हैं, ठीक है। अब फर्स्ट जो है हमने ये तैयार कर लिया, इसके लिए अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, लूप लेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट इसका जो है स्पेस, उसमें से 1, 2, 3 1 time हमने निकाल लिया। सेकेंड यहाँ से लेंगे 1, नेक्स्ट जो हमारी स्पेस आ रही है 2 पेटल के दरमियान में 3, थर्ड जो है वो हम यहाँ से लेंगे, जो नेक्स्ट पेटल उसके मिड में जो स्पेस आ रही है 1 लेकर 3, ये मेरे पास 3 पेटल आ गए। ये देखें 1, 2 और ये 3।
अब यहां से हमने क्या करना है, अगेन इसको कोर्ड को जो जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको पकड़ लेंगे, लूज कर लें या फिंगर पे इस तरह करके लपेट के इसको निकाल लें, जैसे आपको इजी लगता है। इसको निकालना है यहां से, इस तरीके से यहां से निकला है। अब देखिए मैंने इसको लूज किया था, लूज करने के लिए इसको टाइट करें और यहां से खींच दें और यहां से इसको पकड़ लें दोबारा इस तरीके से। मेरे पास 2 स्टिच आ गए, इन दोनों को एक कर देंगे और एक चेन ले लेंगे। ये देखिए ये फर्स्ट जैस्मिन का हाफ फ्लावर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट अगेन लूप लेंगे, फर्स्ट जो है इसका मिड फ्लावर का उसमें से पफ लेंगे 1 2 3 बाल लेकर, सेकंड जो है हमारा सेकंड स्पेस जो इसकी आ रही है वहाँ से, जो हमने पहला लास्ट पैटर्न पफ जहाँ से लिया था वहाँ पे उस स्पेस में से 1 2 और ये 3 टू पफ हो गए मेरे पास। थर्ड जो है नेक्स्ट जो स्पेस आ रही है उससे लेंगे 1 2 एंड 3, ये मेरे पास 3 आ गए टोटल। ठीक है, अब देखें जैसे मैंने आपको बताया इसको यहाँ इस तरह करके लूज कर लें, फिंगर पे यूं करके कर लें, आप जैसे आपका दिल चाहे इसको पकड़ लें, बस इसको लूज थोड़ा रखें। ये इस तरीके से यहाँ से निकाल दिया हमने सबको एक साथ में। ये देखें ये मेरा ये नज़र आ रहा है आपको, ये इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इन दोनों को, ये मेरे पास 2 स्टिच आ गए, इन दोनों को हम निकाल के एक स्टिच करेंगे और एक चेन ले लेंगे। ये मेरा नेक्स्ट जैस्मिन फ्लावर का पेटल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा चेंज, अगर तो आपने मेरा पहला देखा जैस्मिन स्टिच ट्यूटोरियल देखा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी लास्ट में क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलत के लिए लास्ट में बताऊंगा कि इसका क्या करना है। ठीक है, ये मेरी रो देखें कंप्लीट है, लास्ट सिर्फ इसका रह गया ये एक। ठीक है, इसका मैंने आपको सोचा बता दूँ ये किस तरीके से करना है, ये देख सकते हैं आप। लास्ट में अगेन हम लूप लेंगे और जो फर्स्ट है इसका जैस्मिन फ्लावर जो हाफ हमारा तैयार हो गया उसका फर्स्ट जो उसके होल आ रहा है उसमें से पफ लेंगे 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट स्पेस जो है हमारी उसमें से लेंगे पेटल की 1 2 3, ये हमारे पास 2 आ गए, हमारे पास 3 होने चाहिए। ठीक है, 2 पफ हमारे पास हैं। थर्ड पफ हम कहाँ से लेंगे, लास्ट जो हमारा ये देखें ये हमारी लास्ट चेन है जो जहाँ से हमने शुरू किया था स्टार्ट लिया था पफ का, उसमें से लास्ट वाले में से हम एक पफ लेंगे 1 2 और ये 3, ये हमारे पास 3 पफ कंप्लीट हो गए। यहाँ से लूज करेंगे इसको हम कॉर्ड को और यूँ पकड़ के हम इसको इसमें से यूँ निकाल देंगे। ये देखिए ये मेरे पास ये लूज है, इसको थोड़ा टाइट कर लें इस तरीके से। यहाँ से हम निकाल लेंगे एक स्टिच और इन दोनों को इकट्ठा एक साथ इस तरीके से ये निकाल लेंगे और एक चेन ले लेंगे। ये मेरी फर्स्ट रो देखें कंप्लीट है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट है। नेक्स्ट रो शुरू करेंगे, जब भी नेक्स्ट रो शुरू करनी है उसके लिए जैसे यहाँ लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, इसी तरीके से थोड़ा सा जब भी रोज शुरू करनी है उसमें बिगनिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा जो मैं आपको बताऊंगी। देखें यहाँ से इसको हम पलट लेंगे, लूप लेंगे। ठीक है, पहले हम 3 पफ जो है वो इकट्ठे एक साथ लेते रहें, लेकिन हम जब रोज चेंज करेंगे, रोज चेंज करने के साथ सिर्फ हम पहले एक पफ जो है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर 3 पफ नेक्स्ट पूरी रो 3 पफ के साथ चलेगी। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने लिया लूप एक्सटेंड की और उसके साथ ही मैंने ये देखें इसकी आपको स्पेस ये नज़र आ रही होगी, इसी में से हम लेंगे पफ 1 2 3। जब भी रो चेंज होगी हमारी नेक्स्ट न्यू रो शुरू करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमने 1 पफ लेना है और उसको कंप्लीट करते हुए हमने क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ लेंगे कॉर्ड को और यहाँ से निकाल के इसको थोड़ा टाइट करेंगे और ये जो है यहाँ से हम
वन स्टिच लेंगे, हमारे पास टू स्टिच आ गए टोटल, और इस तरीके से दोनों को निकाल देंगे और एक चेन ले लेंगे। ये हमारा सेकंड रो का जो है वो उसका कॉर्नर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेकंड रो शुरू करने से पहले जो हमारे पास आना चाहिए एक, ये देखें, ये यहाँ से अब हमारा फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरीके से जो है फ्लावर हमारा तैयार हो जाएगा नेक्स्ट, और हमारी रो जो है वो आगे चल पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है अगेन लूप लेनी है, ठीक है, और इसी के जो पफ अभी हमने लिए है उसमें से ही थ्री टाइम, वन टू थ्री, उसकी स्पेस में से पफ सेकंड जो है ये देखें ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से, वन टू थ्री, थर्ड हमारे पास नेक्स्ट ये आ रहा है उधर से, वन टू और ये थ्री। सबसे पहले हम कोड को लूज करेंगे और ये थ्री के थ्री एट अ टाइम निकाल देंगे इस तरीके से, और ये देखें यहाँ हमारे पास ये कोड हमारी, इधर से हम लेंगे वन स्टिच और इन दोनों के एक साथ निकाल के वन चेन। ये देखिए जैस्मिन का फ्लावर हमारा ये कंप्लीट, वन टू थ्री फोर फाइव पेटल के साथ ये फ्लावर मेरा कंप्लीट है, ये हाफ है। नेक्स्ट अगेन हम लेंगे लूप, यहाँ फर्स्ट पफ वन टू थ्री, एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगी तो ये बहुत 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 इजी और बहुत खूबसूरत लगता है ये स्टिच, ठीक है, और ये क्लच तो बहुत ही खूबसूरत तैयार होगा, आप देखिएगा बहुत इजी और बहुत खूबसूरत लगेगा आपको, बनाने में बहुत आसान है। नेक्स्ट ये स्पेस में से वन टू थ्री, नेक्स्ट स्पेस ये हमारी जो है इसमें से वन टू एंड थ्री, ये हमारे पास थ्री आ गए टोटल पफ, यहाँ से कॉर्ड को लूज करके ये थ्री एक साथ ही हम निकाल देंगे। ये देखिए ये कॉर्ड मेरी लूज है, यहाँ से इसको टाइट करते जाएंगे और साथ ही इसको इसके बैलेंस पे ला के इसमें स्टिच निकालेंगे, टू स्टिच हो गए, इनको एक करेंगे और एक चेन। अब ये बिल्कुल कंप्लीट है मेरा फ्लावर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेटल के साथ ये कंप्लीट है। इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे, लास्ट में मैंने जैसे बताया था उसी तरीके से उसको लेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको फिर बता दूंगी लास्ट में, तो इस रो को चलें कंप्लीट करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ये देखिए ये मेरी रो कंप्लीट होने वाली, लास्ट में मेरा रह गया ये, इसी तरीके से हम लेंगे लूप, ठीक है, लूप को एक्सटेंड करेंगे और इसका जो है ये होल इसमें से वन टू थ्री टाइम पफ के लिए सेकंड, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे होल है ये सेकंड वाला, यहाँ पर वन टू थ्री बाल लेंगे और लास्ट ये देखें ये यहाँ पे आगे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा, लास्ट जो है हमारा ये जो हमने लास्ट पफ लिया था उसके एज पे बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे नीचे नीचे करके आएगा, ये लास्ट हमेशा लास्ट जो है वो नीचे करके आएगा। यहाँ से बिगनर जब हम शुरू करते हैं वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है शुरू में, ठीक है, अभी मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट रो शुरू करूँगी तो लास्ट वाला जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये देखें ये नीचे की तरफ हमारा ये है लास्ट, यहाँ आ रहा है हमारा होल इसमें से वन टू एंड थ्री टाइम ही लेकर इसको हम कंप्लीट करेंगे लूज करके इसको, और ये हमारा आ गया वन चेन, ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लूप एक्सटेंड करके इसको टर्न करेंगे और यहाँ से हम ये देखिए आपको होल नज़र आ रहा है फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्टिच में, यहाँ से हम वन टू थ्री टाइम हमने ले लिया। मैंने पहले भी आपको बताया था जब भी रो शुरू करनी है सबसे पहले हमने सिर्फ एक पफ स्टिच लेना है, ठीक है,
एक पफ लेना, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है थ्री पफ लेंगे, पूरी रो में थ्री थ्री आएंगे। और यहाँ पे एक जो है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से इस कोड को पकड़ के ये हम निकाल ली यहाँ से सारे में से, और इसको यहाँ से पकड़, इसमें से दोबारा हमने वन स्टिच लिया और दोनों को एक साथ लेकर एक चेन ले ली। ये देखें, ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है जब रो शुरू करनी है हमने, ये देखें, ठीक है। और यहाँ से जो था ये हमारा नीचे की तरफ गया है, यहाँ हमने ये लिया है, यहाँ पे ये बिल्कुल एज पे जाके नीचे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ओपनिंग जब शुरू हमने इसको करना है, स्टार्टिंग में यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, लास्ट में जो है नीचे की तरफ जाएगा पफ जो है हमारा, ठीक है। ये हमारा एक पफ हो गया, अब हमें थ्री थ्री पफ इकट्ठे लेने हैं। उसके लिए सबसे पहले लूप एक्सटेंड करेंगे, फर्स्ट होल में से वन टू थ्री, ठीक है। सेकंड, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, वन टू थ्री। सेकंड हमने वहाँ से लिया जहाँ से हमने सबसे पहला जो सिंगल वाला हमने पफ लिया था, वहाँ से सेकंड वाला हमने पफ लिया। थर्ड जो है नेक्स्ट हमारे पास जो होल आ रहा है, ये इसमें से लेंगे। थर्ड वाला कहाँ से लेना है ये देखें, ये रो हमारी स्टार्ट हो गई है, तो इसका नेक्स्ट वाला जो है ये फ्लावर्स के जो आ रहे हैं हमारे पास, ये इनमें से ये नेक्स्ट वाला जो है इसमें आएगा, थर्ड वाला, वन टू थ्री। ये मेरे पास थ्री पफ आ गए। यहाँ से कोड को जो है हम थोड़ा लूज़ करेंगे, इस तरीके से लूज़ करके, तो यहाँ से एक साथ ही हम निकाल देंगे। ये कोड मेरे पास अभी भी लूज़ है, इसको थोड़ा टाइट करेंगे, यहाँ से स्टिच निकालेंगे, टू स्टिच हैं, इनको निकाल के वन करेंगे और वन चेन ले लेंगे। ये मेरी रो स्टार्ट होगी। अगेन लूप, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बल लेकर नेक्स्ट पफ वन टू थ्री, ठीक है। नेक्स्ट बल लेंगे और थर्ड पफ लास्ट वाला, वन टू थ्री, ये यहाँ से इसको लूज़ कर लेंगे और सारे एक साथ निकाल के जो लूज थी इसको टाइट कर लें, पहले इधर से खींचेंगे फिर यहाँ से, ये देखेंगे, ठीक है। और ये जो है यहाँ से हम एक स्टिच लेकर इसको इस तरीके से कंप्लीट करके और वन चेन ले लेंगे। इसी तरीके से ये सारी रो कंप्लीट करेंगे, वन टू थ्री मेरी रो ये हो गई थी। फर्स्ट में सिर्फ सिंगल सिंगल जो हमने 11 लिए थे वो मैंने फर्स्ट रो काउंट किया, सेकंड ये हमारी, थर्ड ये, ठीक है। अब फोर्थ रो मेरी शुरू हुई। इसी तरीके से टोटल जो है ये 20 रो हमने कंप्लीट करनी है। 20 रो कंप्लीट करके ये क्लच का फ्रंट बैक और उसका फ्लिक जो आना है ऊपर उसके, वो तैयार हो जाएगा। 20 रो इसकी कंप्लीट करते हैं, मैं इनको इसको कंप्लीट करती हूँ। तब तक आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं और साथ साथ कमेंट्स दें, ठीक है। तो चलिए इसकी 20 रो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर इसको बाकी जो रह जाएगा वो कंप्लीट करेंगे। ये देखें, ये मैंने इसकी 20 लाइन्स आपको कही थी, 20 रो मैंने कही थी कंप्लीट कर ली है मैंने। ये देखें, इसको यूं करके अब हम डबल कर लेंगे। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं, इसका फ्लिक जो है, ये मैंने तो इस तरीके से तैयार किया है कि मैं इसको ना यूँ इस तरह यहाँ ऐसे आएगा, इसको फोल्ड करूँगी, ठीक है। और यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करना है मुझे, ये ठीक है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करूँगी। अब ये फोल्ड करना जो है वो मुझे इस तरीके से करना है। अगर आप इसको डबल करना चाहते हैं इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से रख कर यहाँ पर अगर आप ज़िपर लगाना चाहते हैं तो ज़िपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ज़िप लगा सकते हैं,
और अगर यहाँ से आप इसका वो बकल बनाना चाहते हैं, यू बकल सॉरी कह रही हैं स्ट्रैप बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से स्ट्रैप भी आ जाएगा, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे जो है इस तरीके से बनाना है, ये इस तरीके से, तो मुझे इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं इसके मैगनेट लगाऊँगी टू, जो यूँ इस तरीके से इसको बंद कर देंगे, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो इसके अंदर, कोई चीज़ जैसे हम रखना चाहते हैं मोबाइल वगैरह, कोई टिश्यू पेपर या कोई और चीज़ अपनी जो हम रखना चाहते हैं इसके अंदर, उसके लिए थोड़ी स्पेस ज़्यादा होने के लिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी। अच्छा, यहाँ से देखिए स्पेस इसकी बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने जो है ये दोबारा कॉर्ड ली है, इसके हम लेंगे 8 चेन लेंगे, पहले मैजिक नॉट लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर फर्स्ट वाले छोड़ के सेकंड वाले में से हम क्या करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया एवरी चेन ई, ये 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और एक जो है ये फर्स्ट हमारे जो हमने टू चेन छोड़ी थी वो काउंट हो जाएगी, तो हमारे टोटल 7 स्टिचेज आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना, अच्छा इसको मैं कवर करना था साथ ही, ये जो चीज़ है इसकी इसको कवर करेंगे साथ ही लास्ट स्टिच के साथ, इस तरह ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट हम टू चेन लेंगे और अगेन इसको कवर करते हुए हम 7 हाफ डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 जो हमारा ये टू चेन काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 टू चेन, अगेन 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से ये मेरी 1 2 3 रो है, 7 रो हम करेंगे इसकी, ठीक है। 7 रो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम 2 चेन लेंगे और यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया और 1 मोर, इसको पूरा नहीं करेंगे हम, हमने यहाँ पे स्टिच जो है वो डिक्रीज करना है, ठीक है। डिक्रीज के लिए हम 2 स्टिचेस को इकट्ठा इस तरीके से ले लेंगे, दरमियान में स्टिच जो है वो हम इस तरीके से लेंगे, 1 लेंगे, नेक्स्ट जो है 1 एंड 2, इनको दोबारा डिक्रीज करेंगे। इसमें 2 स्टिचेस हमने डिक्रीज करने हैं, पहले 2 चेन फिर 2 स्टिचेस को डिक्रीज करके 1 करना है, फिर 1 स्टिच लेना है और उसके बाद 2 स्टिचेस को दोबारा डिक्रीज करना है, लास्ट में हमारे पास 1 रह जाएगा, उसको अगेन हम जो है हाफ डबल क्रोशे लेके ये रो कंप्लीट करेंगे, 2 चेन। अब देखें हमारे पास टोटल कितने स्टिचेस रह गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये 5 स्टिचेस अभी हमारे चलेंगे। इसी तरीके से हम जो है 2 3 4 5 इसको आप देखें, इसके साथ ये जो चीज़ हमने बनाई है इसके साथ नाप करके देख लें, ये देखें इसके साथ इस तरीके से कि कितना ये रह गया, अभी ये मेरा इतना रहता है बनाने वाला, ये देखें आप, इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जाके जो सेकंड लास्ट रो होगी उसमें हम जाके 2 स्टिचेस और डिक्रीज करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 रह जाएंगे, 3 स्टिचेस रह जाएंगे, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अभी मैं यहाँ तक इसको कम्प्लीट कर लूँगी, ठीक है। आप भी इसको माप लीजिएगा, उसके बाद जितनी रो आपकी आती है वो करके, तो लास्ट में जो है वो 2 स्टिचेस और डिक्रीज करेंगे, सॉरी 1 स्टिच करेंगे डिक्रीज, और उसके बाद जो हमारे पास 3 स्टिचेस रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरीके से माप लिया। अब मेरा सिर्फ ये इतना सा रह गया, ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया, ये देख सकते हैं आप। इसमें अब हम क्या करेंगे, स्टिच को डिक्रीज़ करेंगे। पहले टू चेन मैंने ले ली है डिक्रीज़ करने के लिए, वन एंड टू, वन एंड टू, टू चेन, वन टू। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। मेरा ये देखिए ये कंप्लीट है, ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, उसके लिए मैं इसके जो है सिलाई करूँगी। यहाँ से पहले इधर से यहाँ तक, फिर ये इसके साथ यूँ दूसरी तरफ, पहले इधर से अटैच होगा, फिर ये इस तरीके से यहाँ से अटैच होकर ये इस तरह आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी स्पेस आ जाएगी, तो आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। पहले इधर अटैच करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ हम इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे, ठीक है। ये नीडल में मैंने इसको डाल लिया डोरी को। यहाँ से पहले हम इसको पक्का कर लेंगे, ठीक है, ये देखें। अब हमने इसकी सिलाई करनी है, ठीक है। सिलाई करने के लिए देखें, यहाँ पर हमने लिया स्टिच और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे इसी तरीके से यहाँ से, नेक्स्ट हम लेंगे इसी तरीके से, हम इसको सिलाई करते चले जाएंगे। बस ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, बैलेंस पर रख के इसको सिलाई करते जाएं आराम से, बहुत इजी है ये। ये देखिए लास्ट में जो है ये इसके बैलेंस पे आएगी, इसके बराबर हो, बिल्कुल छोटा या बड़ा ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह के हमने ये, मैंने आपको एक बनाना सिखाया, इस तरह के हम दो बनाएंगे, ठीक है। दो बना के दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। मैं लास्ट यहाँ तक आती हूँ सिलाई करके, फिर आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। ये हम टू बनाएंगे दूसरी साइड के लिए भी और एक ही साइड के लिए भी, ठीक है। दो बना के तो इसको हम सिलाई के साथ इसके साथ अटैच कर देंगे। बहुत ईजी है इसको बनाना, बहुत प्यारा लगता है ये। आप शादी ब्याह के मौके पे, पार्टी के मौके पे, किसी भी मौके पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस क्लच को। बच्चियों के लिए ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है और बहुत इजीली घर में तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको आप बोल के साथ भी कर सकते हैं तैयार, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, जिसके साथ आप चाहें। अब ये देखें यहाँ लास्ट मेरा ये आ गया, यहाँ से हम क्या करेंगे अब इसको, ये देखिए इस तरीके से। अब हमने इसको इस तरीके से अटैच करना है, यहाँ ऐसे, ये ऐसे इसको इस तरीके से अटैच करेंगे, ये ठीक है। अटैच करके अगेन हम जो है ये यहाँ पे ऐसे चला जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए इसको अटैच करती हूँ मैं। बड़े आराम से ये अटैच हो जाएगा इसके साथ।
यहाँ से ये इस तरीके से देखिए जो बाकी रह गया वो हमारा इधर आ जाएगा यहाँ तक, ये हम इसके साथ इस तरीके से अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा ऊपर जो है इस तरीके से फ्लिक आ जाएगा और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा इसके साथ। चलिए इसको अटैच करते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का जो हमने तैयार करना है वो हम दूसरी साइड पर इसी तरीके से यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे, यहाँ तक अटैच कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ से दोनों साइड से इसको स्टिच कर लिया, इस साइड से और इस साइड से भी दोनों साइड से स्टिच होकर ये देखें, ये इसके अंदर वाला पार्ट है ठीक है क्लच का, और ये बाहर वाला। यहाँ से हम इसको मैग्नेट लगा के इसको यहाँ से बंद कर देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं आप। ठीक है, और आप इसके ऊपर फ्लावर भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, फ्लावर्स लगा सकते हैं या इसके अंदर बीड्स, ये जो फ्लावर आपके जैस्मिन के ये नज़र आ रहे हैं ये, इनके अंदर आप एक एक बीड्स भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जैसे आप चाहें इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके लिए फ्लावर्स जो हैं ये देखें, इस तरह का फ्लावर्स है ये भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है जो आप जैसे लगाना चाहें। ये देखिए मुझे रेड कलर बहुत प्यारा लगा था, यहाँ रख के आप रेड कलर भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ रख के भी रेड कलर लगा सकते हैं आपकी मर्ज़ी है, फ्लिक पे लगाना चाहते हैं तो ये इस तरह खुल जाएगा आप आराम से, मर्ज़ी आप यहाँ लगाना चाहें। ये मेरे पास गोल्डन कलर के फ्लावर्स हैं, ये भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर या यहाँ पर जहाँ आप चाहें। एक गोल्डन कलर का मेरे पास और है, ये देखें, वो आपके अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मेरे पास ये सिल्वर कलर का भी है, ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ लग जाएगा, कॉर्नर पे आ जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह इसको यहाँ ये कॉर्नर पे लगा के हम यहाँ पे ये इस तरीके से ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। ये क्लच मेरा तैयार है, ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा है। अच्छा, इसके स्ट्रैप जो हैं अगर तो आप बनाना चाहें तो बना लें, अदरवाइज़ क्लच जो है वो हाथ में रखने के लिए होता है, पकड़ने के लिए। देखें इस तरह पकड़ा जाता है, ठीक है, तो इसके बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो इसके स्ट्रैप बना सकते हैं या आप चेन भी इसको लगा सकते हैं। चेन लगाएं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, चेन लगा सकते हैं या आप इसके स्ट्रैप बनाना चाहें स्ट्रैप बना सकते हैं। मैंने कोर्ड के साथ स्ट्रैप आपको काफ़ी बनाने बताए हैं, उनमें से किसी भी तरह का जो आपको पसंद है इसके साथ स्ट्रैप आप बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, जैसे आप इसको चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएगा और साथ साथ कमेंट्स भी ज़रूर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत याद रखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाकर, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत यूनिक स्टाइल है और यूनिक कोड के साथ मैंने इसको बनाया है, बहुत अच्छा लगेगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।